हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का प्रदीप सर का नमस्कार। आप सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप सर प्रेजेंट एकेडमी में स्वागत है। जो लोग अभी भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि हमारे यहाँ वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुँच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी हमारी वीडियो से जोड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। देखिए दोस्तों, हम लोग क्या कर रहे हैं, आज परसेंटेज की तीसरी क्लास पढ़ रहे हैं और तीसरी क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मैंने हेडिंग डाला हुआ कि प्रतिशत परिवर्तन पर आधारित प्रश्न। तो हर प्रश्नों का मैं क्या बता रहा हूँ, आपको बेसिक तरीका में बता रहा हूँ, जिस तरीके से आप चाहते हैं वो सारे रूल्स में बताता चल रहा हूँ। कहीं से आप लोगों को किस तरीके का शिकायत नहीं होगा। जैसे इसमें क्वेश्चन तो बहुत तरीके पूछते हैं, तो उन क्वेश्चनों को लगाते किस तरीके से हैं, थोड़ा सा हम क्या करते हैं, ऐसे ओरल चर्चा कर लेते हैं, पहले देख लेते हैं। जैसे क्या होता है, क्वेश्चन दे दिया कि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, जिसका मतलब ये 20% वृद्धि हो रही, प्लस में हो रहा है, जिसके कारण एक व्यक्ति चावल की खपत या मात्रा को 10% बढ़ा देता है। ये भी बढ़ा देता है, मतलब प्लस में है। तो आपसे क्वेश्चन कर रहा है, तो उस व्यक्ति के टोटल खर्चा में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या करेंगे आप लोग दोस्तों, इसको बेसिकली तो हम बताएंगे ही, अर्थात 100 रुपए में चावल था, 100 किलोग्राम खरीदा, तो टोटल 10,000 रुपया उसका खर्चा हो गया। अब चावल 120 रुपये में हो गया और मात्रा 110 किलोग्राम कर दिया, तो 11 बराबर 32 13,200, तो वृद्धि कितना हुआ, 3200। अब किस में वृद्धि हुआ है, 10,000 में, तो बटे में क्या लिख दिया आप, 10,000 × 100 कर दिए, तो 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो, 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो, बराबर कितना आ गया दोस्तों, 32%। कोई फार्मूला नहीं है यहाँ पर, बस मूल्य गुणे मात्रा बराबर खर्च होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि ये क्या है आपका मूल्य, ये मात्रा, अब बराबर ये क्या निकल के आया है, खर्च। क्लियर है, एक तरीका तो ये आपका लगाने का, हम तरीका बता रहे हैं कितने विधियों से आप लगा सकते हैं, ये बेसिक हो गया। दूसरा तरीका आप क्या करेंगे, हर क्वेश्चनों में इतने तरीके आप लगा सकते हैं। तो दूसरा तरीका तो यहाँ पर क्या होता है, परसेंटेज चेंज का मतलब प्रतिशत परिवर्तन क्या हो जाता है। सूत्र भी लोग कुछ लोग बताते हैं कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, यहाँ प्लस माइनस भी लगा देते हैं, वृद्धि होती तो प्लस लेते हैं, कमी होती तो माइनस लेते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, ये मूल्य है, ये मात्रा है, और फिर मूल्य मात्रा का मल्टीपल में आपका वृद्धि होता है। तो 20% मूल्य बढ़ रहा है, ये मात्रा है वाई, 10% मात्रा बढ़ रहा है, और यहाँ पर 20 × 10 बटे में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो आपका कट जाएगा, 20 × 10 = 30 और 2 × 1 = 2, बराबर यहाँ भी कितना आएगा दोस्तों, 32%। दो प्रासेज हो गया। तीसरा प्रासेज दोस्तों आप लोग कैसे लगा सकते हैं, प्रतिशत परिवर्तन बराबर हम ले सकते हैं इसी चीज को और डायरेक्टली, तो इन नियमों से आप लगा सकते हैं। यहाँ पर आप लगाइएगा दोस्तों कि 100 ± a आपका हो गया, 100 ± b हो गया, ऐसे ही आपका अभी डबल प्रासेस चल रहा है, इसके आगे भी कितना भी बढ़ा दे, इस वाले में तो 2 पे ही लगेगा, लेकिन अभी ऐसी कंडीशन आ जाए किसी घर की लंबाई में इतने परसेंट वृद्धि, चौड़ाई में इतने परसेंट वृद्धि, ऊंचाई में इतने परसेंट वृद्धि, तो कई कंडीशन आ जाता है, तब उसमें क्या हो जाएगा आपका ये एक्स प्लस वाई लगेगा तो, लेकिन इसमें 2-3 बार यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए इससे भी लगा सकते हैं, जब कई परसेंटेज दे देता है, और ये इंपॉर्टेंट भी काफी है, काफी जगहों पर भी इसका यूज होगा। और नीचे क्या लिखेंगे, 100 × डबल बार लिखा है तो 100, अब इसके आगे और बढ़ाएंगे तो नीचे 100 बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि ऊपर लिखे हुए 110% × 120%, तो इसका मतलब 1% हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं, तो 100 से जब भाग करते हैं तो 1% हट जाता है, 1% बचा रहता है, और फिर 1% मान लेते हैं यहाँ और लिखा होता है 130%, 100 और आ जाता है। इसका मतलब जितना ऊपर पद होगा उससे 1 कम 100 लिखे जाएंगे। क्लियर है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया कि 100 ± a 100 ± b, अब गुणे आगे से लिखते थे 100 और बढ़ाते, d लिखते थे 100 और बढ़ाते, मतलब ऊपर से 1 कम रहेगा 100। तो इसके लिए आप लगाएंगे कैसे दोस्तों, 10% 20% बढ़ा तो 120 लिख दिए, और मात्रा यहाँ पर 10% बढ़े 110, अब बटे में 100, इतना करेंगे 11 बराबर 132, तो 132 का मतलब 100 से कितना बढ़ गया, 32%। तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, 100 माइनस कर देते हैं, या इसके लास्ट में हम क्या लिख देते हैं दोस्तों, यहाँ पर ऐसे बढ़ाते जाएंगे फिर माइनस 100 कर देते हैं। तो इसके लिए क्या हो गया, 120 × 110 बटे 100 − 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 132 में 100 गए, 32% हो जाता है। इससे भी लगा लेते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं फ्रैक्शन का भी यूज करते हैं, तो फ्रैक्शन का हम कहाँ पर प्रयोग करेंगे, पूरे परसेंटेज में फ्रैक्शन का रूल तभी लगाएंगे जब क्या होगा, क्वेश्चन आपका फ्रैक्शन में दिया होगा। फ्रैक्शन का मतलब जितने भी परसेंटेज आपके दिए हैं वो सही बटे में होंगे, तो
तो सही बटे में परसेंटेज होगा तब उसको हम फ्रैक्शन नियम्स लगाएंगे, और सही बटे में नहीं होगा तो हमें इस नियम्स लगाना है। तो यहाँ 10-20% का आप जानते हैं फ्रैक्शन कितना होता है, भिन्न 1/500 से भाग कर दिए, और 10% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/10, क्योंकि परसेंट हटाने के लिए 100, परसेंट हटाने के लिए 100, तो 100 करने से ही भिन्न आया है। तो प्रारंभ में क्या था, ये मूल्य था, ये मात्रा था, तो इसका मतलब प्रारंभ खर्चा कितना था, 5 रुपया में 10 किलोग्राम चावल खाते थे, क्लियर है। अब यहाँ पर कह रहा है कि चावल के मूल्य में 20% वृद्धि हो गई, इसका मतलब 5 था तो 1 बढ़ करके अब कितना हो गया, 6 हो गया, और उसके बाद यहाँ पर पहले 10 था, अब 10 से 11 हो गया, तो इसका मतलब 10 × 5 = 50 पहले खर्चा होता था, 11 × 6 = 66 अब खर्चा हो रहा था, कितना बढ़ गया दोस्तों, 11 × 6 = 66 तो कितना बढ़ गया, 16 बढ़ गया, तो प्लस 16 बढ़ गया, यहाँ प्रतिशत वृद्धि अगर आपको बताना है तो 16 बढ़ गया, किसमें बढ़ गया, 50 में, तो बटे 50 गुणे 100 कर देंगे, तो 50 × 100 16 × 32, तो इसका मतलब ऐसे क्वेश्चनों को आप चार चार नियम से लगा सकते हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन मान करके सारी विधियों पर चर्चा कर दिया गया है, क्लियर दोस्तों। तो अब इसी पर हम क्या करेंगे, 4-6 क्वेश्चनों की एक्सरसाइज कर लेंगे लिख करके। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन, देखिए दोस्तों, जिसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, जिससे परिवार चीनी की खपत मतलब मात्रा को 20% कम कर देता है, तो परिवार के खर्च में प्रतिशत परिवर्तन बताइए, मतलब कितने परसेंट वृद्धि या कमी हो जाएगी। तो आप लोगों को मैंने जस्ट पीछे बताया हुआ बेसिक लगाएंगे, तो इसका मतलब आपका ये सही बटे में नहीं दिया, जब सही बटे में देगा तब हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन का रूल लगाएंगे। तो पहले चीनी कितने में थी, 100 रुपया में, और 100 किलोग्राम खाते थे, खर्चा कितना होता था, 10,000। अब चीनी 125 रुपया में हो गई और 120 किलोग्राम खरीदने लगे, अब खर्चा कितना होने लगा, 15,000, मतलब यहाँ 20 कमी हो रही तो 80 कर देंगे, क्लियर दोस्तों। तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, 125 8 अगर निकालते हैं तो 0 तो यहाँ लगा ही रहेगा, अब फिर उसके बाद 8 × 5 = 40, 8 × 9 = 16, 4 = 20, 8 × 9 = 8, 2 = 10, तो पहले कितना था, 10,000 खर्चा, अब कितना हो गया, फिर 10,000, तो दोनों का अंतर कितना आ रहा, 0, जिसका मतलब परिवार के खर्च में कोई भी प्रतिशत परिवर्तन नहीं होगा, क्लियर है, इसका मतलब ना तो वृद्धि ना तो कमी, तो इस तरीके से आप लगा लिए। दूसरा मैंने प्रोसेस क्या बताया हुआ था, आपको एक्स वाई से भी लगा सकते हैं, 25% बढ़ा है तो -20% घटा है, और फिर यहाँ 25% गुणे -20%, जहां जहां कमी गए माइनस, अब बटे में 100, मैंने एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 बताया, तो इन दोनों का डिफरेंस 5 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे 25 × 4 = 5, तो -5 यहाँ आ रहा है, तो कट के कितना आ गया दोस्तों, 0 आ गया। या इसी चीज को आप क्या लगाते हैं, 100 + -A से लगाते हैं, तो 25% बढ़ गया तो 125 गुणे 20% घट गया तो 80, अब बटे में क्या लिखेंगे, 100 - 100, तो यहाँ पर 25 × 5 = 25, 4 से भाग करेंगे 20 × 5 = 100 - 100 कर देंगे, 0 हो जाएगा। फ्रैक्शन से लगाएंगे तो 25% वृद्धि का मतलब क्या होता है, 1/4, तो प्लस हो रहा है, 20% कमी का मतलब होता है -1/5, इसका मतलब पहले खर्चा कितना था, मूल्य 4 था, मात्रा 5 थी, जो नीचे वाली वैल्यू होती है वही क्या होती है, प्रारंभिक वैल्यू होती है, तो 4 रुपया में 5 किलोग्राम खरीदे, खर्चा कितना होता था, 20, अब 4 × 1 = 5, अब यहाँ पर मूल्य बढ़ गया, इसका मतलब चीनी 5 रुपए में हो गई, और पहले 5 किलोग्राम खरीदते थे, अब 1 किलोग्राम कम खरीदेंगे, 4, तो 4 × 5 = 20, तो पहले भी 20 खर्चा होता था, अब भी 20 खर्चा हो रहा है, इसका मतलब खर्च में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्लियर है दोस्तों। अगर इसी में हम क्या कर देते हैं, कमी कमी ही बता देते हैं, अभी हम फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन ले रहे हैं भिन्न में, जैसे 10% कह दिया जाए, क्या कोई भी चीज है, मैं क्वेश्चन पे यहाँ पर बदल नहीं रहा हूँ, सिर्फ ये चीज कर रहा हूँ कि चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई, जिससे एक परिवार चीनी की खपत को 10% क्या कर देता है, खपत 10% बढ़ा देता है, तो परिवार के खर्च में प्रतिशत परिवर्तन बताइए, मतलब कितने परसेंट वृद्धि हो जाएगी, तो इसका मतलब 110 गुणे 110, अब बटे में कर देना है 100 - 100, 2 0 से 2 0 कट गया, 121 - 100 कर देंगे तो 11% की वृद्धि हो जाएगी प्लस में, क्लियर है। तो जब आपका पूर्णांक देगा तो 100 + -A * 100 + -B बटे में 100 - 100 कर देना है, और जब फ्रैक्शन देगा तो हम फ्रैक्शन का नियम लगाएंगे, कैसे, जैसे फ्रैक्शन दिया होता आपका दोस्तों, बस क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट, आप लोगों को लगाना है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में क्या होता है, बहुत टाइम नहीं दिया जाता, कॉन्सेप्ट क्लियर दिया जाता है, क्लास नहीं कि 1.5-2 घंटे पढ़ाया जाए, बाकी इतने से आपका कन्फर्म हो जाएगा। हमने यहाँ लिख दिया कि चीनी के मूल्य में 12.5% लिख दिया मैंने, 12.5% की वृद्धि हो गई,
जिससे एक परिवार चीनी की खपत क्या कर देता है। यहाँ पर मैंने लिख दिया कि 16/6 2/3% बढ़ा देता है, तो परिवार के खर्च में कितने परसेंट का परिवर्तन आ जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों करना क्या है, अब आपका दोनों स्थानों पर फ्रैक्शन दिया हुआ है तो हमें फ्रैक्शन के नियम से ही लगाना है। तो फ्रैक्शन देगा तो फ्रैक्शन के नियम से लगाना है, और पूर्णांक देगा तो हमको पूर्णांक के नियम से लगाना है। आसान एकदम से लगेगा, आप इतना याद रखेंगे, टाइम बहुत से होगा। तो इसका मतलब मूल्य कितना कह रहा है, मूल्य में 12.5%, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 1/8 होती है। और 6/2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 1/15 होती है। वृद्धि दोनों स्थानों पर हो रहा है, क्लियर है। तो प्रारंभ में कितना हो रहा था, 8/15, तो यहाँ लिखेंगे 8/15। अब नया कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 = 9 और =15 = 16। तो यहाँ जो कटेगा ऊपर नीचे हम काट भी सकते हैं, तो 8 × 2 = 16 और 3 × 9 = 3/5 = 15। तो पहले कितना होता था, 5 × 3 = 6, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि पहले से कितना बढ़ गया, 1 बढ़ा है, तो 1 की वृद्धि हुई है किसमें, 5 में, तो /5 × 100 लिख देंगे तो बराबर में कितना आधा रहा है, 20%, क्लियर दोस्तों। इतना कन्फर्म है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन दे दिया है कि संतरे के मूल्य में 15% की कमी हो गई, जिससे एक परिवार संतरे की खपत 20% कम कर देता है, तो परिवार के खर्च में कितने परसेंट का परिवर्तन आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या करना है आपको दोस्तों, सिर्फ यही चीज करना है। पूर्णांक है, इसका मतलब आप कौन सा सूत्र लगाएंगे, 100 ± A, 100 ± B, अब बटे में 100 - 100 बराबर तत्सत परिवर्तन। तो 15% कमी हो रहा था 85 लिखेंगे, 20% कमी हो रहा था 80 लिखेंगे, अब बटे में 100 लिख देंगे, फिर -100, 20 × 4 = 80, 20 × 5 = 100, 17 × 5 = 85, 17 × 4 = 68 हो जाएगा, तो 68 - 100 बराबर -32% आ गया, क्लियर है। तो माइनस का मतलब क्या करता है, कमी बताता है। तो इस तरीके से आप लगाइए, या इसी चीज को हम क्या कर सकते थे, x + y + xy / 100 से भी लगा सकते थे। तो पूर्णांक है तो पूर्णांक के नियम से, फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन के नियम से लगाइए। तो इसको हमें फ्रैक्शन से लगाने की जरूरत नहीं, उससे जल्दी यही से आ जाएगा, इसलिए सभी चीज जानते रहिए दोस्तों। 15% कमी का मतलब -15 हो जाएगा, अब 20% कमी का मतलब -20 हो जाएगा, अब प्लस यहाँ -15 × -20 बटे में 100, -15 - -20 करेंगे तो -35 हो जाएगा, प्लस में नहीं लिखा जाएगा क्योंकि -- जोड़ेंगे तो माइनस ही रहेगा। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं 15 × 2 = 30 तो +300 हो जाएगा, क्योंकि -, -, अब 50, 15 × 20 = 300, 300 अब बटे में 100, तो 2 0 कैंसिल हो गए, तो -35 + 3 कर देंगे तो -32% आ रहा, तो माइनस का मतलब काम बताता है, क्लियर है। ऐसे ही आपका कर दे दिया होता संतरे के मूल्य में, मान लेते हैं सेम वैल्यू कर दिए, 20% की कमी हो गई, जिससे एक परिवार संतरे की खपत क्या कर देता है, 20% कम कर देता है, तो परिवार के खर्च में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। तो इसका मतलब 20% कमी का मतलब 80 हुआ, अब फिर मात्रा में 20% फिर 80 हुआ, अब बटे में 100, पहले क्या था 100, तो यहाँ -100 कर दिए, तो 2 0 से 2 0 कट गया, 8 × 64 - 100 बराबर कितना आ गया दोस्तों, -36, क्लियर है। अगर यही चीज 20-20 वृद्धि किया होता 120-120 करते तो 2 0 कट जाता, 12 × 144 = 44%। तो फ्रैक्शन से भी आप तेजी में लगा सकते हैं, इसलिए पूर्णांक को पूर्णांक के नियम से, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के नियम से। ऐसे ही जैसे अगले क्वेश्चन में यही चीज हम क्वेश्चन लगाने देते हैं, परसेंटेज की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, बाकी सब कुछ संतरा चीनी चाय घी नमक दूध कुछ ना कुछ वस्तु चेंज होगी, बाकी सब कुछ क्वेश्चन वही रहता है। यहाँ हमने कह दिया कि 16/2/3% की कमी हो गई, जिससे एक परिवार संतरे की खपत क्या कर देता है, 14/2/7% कम कर देता है, तो परिवार के खर्च में प्रतिशत परिवर्तन बताए, मतलब कितने परसेंट की कमी हो जाएगी। तो उसके लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए यहाँ पर हम लोग दोनों फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन के नियम से लगाएंगे। अब यहाँ 100 ± 1 नहीं लगाएंगे क्योंकि उससे थोड़ा सा टफ होगा, टाइम लगेगा। तो जब फ्रैक्शन देगा तो फ्रैक्शन के नियम से लगाएंगे, जैसे 16/2/3% की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 1/6 होती है, तो यहाँ पर 1/6 हो जाएगी, जिसका मतलब पहले 6 था, 1 = 5 हो जाएगा। अब फिर उसके बाद 14/2/7 की वैल्यू कितनी होती है, -1/7 कर देंगे, क्लियर है। इसका मतलब क्या था, प्रारंभ में दोस्तों क्या था, 6 × 7
ये प्रारंभ में था। अब यहाँ पर नया खर्च कितना हो जाएगा, तो नया में 6 में 1 घटाएंगे 5 और 7 में 1 घटाएंगे 6, क्लियर है। तो ये 6-6 कट जा रहा है, तो इसका मतलब पहले 7 खर्चा होता था, अब कितना खर्चा हो रहा है, 5 खर्चा हो रहा है। तो क्या हो रहा है, माइनस 2 की कमी हो रही है। तो प्रतिशत कमी अगर आप निकालेंगे दोस्तों, तो इसका मतलब 2 कम हो गया किसमें, 7 में, और गुणे 100 लिख देंगे, तो इसका मतलब 200 बटे में 7 हो जाएगा। तो 7 दूना 14, 7 में 56, 4 60 होता है, तो 28 सही 4/6% की कमी हो जाएगी, क्लियर है। ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग आसानी से लगा सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा किसी संख्या में इतने परसेंट वृद्धि कर दी जाती है, फिर प्राप्त नई संख्या को पुनः इतने परसेंट बढ़ा घटा दिया जाता है, तो नई संख्या में क्या परिवर्तन आ जाएगा। तो जो भी क्वेश्चन आपके दिए जाएंगे आप लोग आसानी से लगा लेंगे। अब इसी का हम सेकेंड टॉपिक से आ जा रहे हैं, क्षेत्रफल तथा आयतन में प्रतिशत परिवर्तन, आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट आपका है क्षेत्रफल तथा आयतन में प्रतिशत परिवर्तन। तो इसका मतलब आप सभी लोग जानते हैं कि भाई आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल एरिया रेक्टेंगल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। उसके बाद वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा गुणे भुजा होता है। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर होता है, क्लियर है। उसी तरीके से आप क्षेत्रफल देखेंगे जैसे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, समलंब का है, प्लस आपका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है। तो जितने भी चतुर्भुज आपके होते हैं, जैसे समचतुर्भुज की बात करता है, तो इसका मतलब 1/2 d1 गुणे d2 होता है, डायगोनल मतलब एकण होता है, समचतुर्भुज की बात हो रही है यहाँ पर। उसी तरीके से आपका अगर समांतर कह देता है कि समांतर चतुर्भुज के लिए, तो आधार गुणे लंब होता है, आधार गुणे लंब हो जाता है। उसी तरीके से अगर हम समलंब की बात करते हैं, समलंब चतुर्भुज की बात करते हैं, तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे लंबवत दूरी हो जाता है, अर्थात समांतर का मतलब इस तरीके से। तो ये सारी चीजें आपको आगे हम बताएंगे। तो समांतर भुजाओं का योग, ये दोनों समांतर हैं, इनके बीच की दूरी, तो यहाँ डी हो जाता है। उसी तरीके से त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर बताएंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है, 1/2 आधार गुणे लंब होता है, क्लियर, 1/2 आधार गुणे लंब, इतनी चीजें क्लियर है। तो चतुर्भुज मतलब क्षेत्रफल ये होता है, इसका मतलब सभी में सिर्फ 2-dimensional फिगर है। तो 2-dimensional क्षेत्रफल किसे कहते हैं, तो कहेंगे सीधा सीधा पॉइंट बताएं, कोई पूछ लिया कि एरिया की डेफिनेशन क्या होती है, तो कहेंगे ऐसी किसी भी द्विभुजीय आकृति के द्वारा घिरे हुए भाग या क्षेत्र को उस आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं, उसके अंतर्गत आयत, वर्ग, वृत्त, त्रिभुज, चतुर्भुज, समांतर, ये सारी चीजें आती हैं आपकी, तो इन सबके क्षेत्रफल के ये सूत्र होते हैं। लेकिन ये 2-dimensional है, द्विभुजीय आकृति है, लेकिन त्रिभुजीय आकृति जो आपकी होती है, 3-dimensional जो आपकी होती है, वो आपका घन होता है। तो घन का जो आयतन होता है, अर्थात क्यूब ऑफ वॉल्यूम, तो आयतन कितना हो जाता है, भुजा क्यूब हो जाता है। तो घनाभ का जो आयतन हो जाता है, वो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, क्लियर है। उसी तरीके से बेलन का जो आयतन होता है, बेलन का पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसका मतलब यहाँ तीन तीन विमा है, यहाँ तीन विमा है, यहाँ तीन विमा है, डबल आर है, एक एच है। शंकु का जो आयतन होता है, शंकु का आयतन क्या होता है दोस्तों, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये सारी चीजें बहुत आसान हम बताएंगे, बहुत अच्छा लगे पढ़ने में जब आप लोगों को मेंसुरेशन टॉपिक्स बताएंगे। तो शंकु आपका हो गया, बेलन हो गया, उसी तरीके से आपका गोला हो जाता है। तो गोले का जो आयतन होता है, तो गोले का आयतन आप लोग जानते हैं कि 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अर्ध गोले का होता है, आधा कर दीजिए, 2/3 पाई आर क्यूब होता है। तो ये सभी क्या आपका है, क्षेत्रफल और घन मतलब आयतन से संबंधित आकृतियों के क्या है, सूत्र हैं। तो इसमें देखेंगे जितने भी आपके दिए हुए हैं, सब में तीन विमा आ रही है, मतलब 3-dimensional है, और इसमें जितनी भी चीजें आ रही है, सब में 2-dimensional है। इसके साथ साथ कुछ लोग ये भी बता देते हैं, जैसे बेलन का वक्र पृष्ठ कह देता है, तो बेलन का जैसे वक्र पृष्ठ कह दिया, या घन का वक्र पृष्ठ कह दिया, तो घन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो क्या होता है आपका, 4a² होता है। और घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a² आपका होता है, संपूर्ण मतलब सभी 6 सतहों का। उसी तरीके से घनाभ का जो वक्र पृष्ठ होता है वो 2l+b गुणे h हो जाता है, ये होता है घनाभ के वक्र पृष्ठ का। और घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का 2lb(bh)hl होता है, आप लोग जानते होंगे ये होता है, तो घनाभ होता है। उसी तरीके से बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है 2πrh होता है, और घनाभ बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πrh+r होता है, ये सभी लोग आप जानते होंगे। शंकु का भी क्या होता है, वक्र पृष्ठ πr
रियल होता है। अब बाकी क्या हो जाता है आपका पाई आर रियल प्लस आर, ये संपूर्ण हो जाता है, आप सभी लोग जानते भी होंगे। उसी तरीके से गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है आपका 4πr² संपूर्ण पृष्ठ भी होता है, वक्र पृष्ठ भी वही होता है। तो ये सारी चीजें आप लोग एक्स्ट्रा जानते होंगे, जब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ उसमें 2 dimensional है, क्षेत्रफल की बात करेगा 2 dimensional और आयतन की बात करेगा 3 dimensional, मतलब 3% देगा। और 3% देगा इसका मतलब हमको कैसे लगाना है आपको पता हो चुका है, 2 dimensional मतलब 2% की वैल्यू आप लगा चुके हैं। तो डबल और ट्रिपल ये सारे सूत्र होते हैं, मैंने जनरली आपको बता दिया कि थोड़ा सा रिवाइज हो जाए, पढ़ते पढ़ते दिमाग में नहीं बैठा होगा तो फिर से थोड़ा सा कुछ चीजें क्लियर हो जाए। तो आइए इन सभी टॉपिक्सों पर हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दोस्तों एक क्वेश्चन लिख दिया, किसी आयत की लंबाई 20% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो जाएगा, तो आयत के क्षेत्रफल में क्या प्रतिशत परिवर्तन होगा। अगर हम बेसिक देखते हैं जिसका मतलब प्रारंभिक क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब LB हो जाएगा। अगर हम नया क्षेत्रफल देखेंगे दोस्तों तो नया क्षेत्रफल का मतलब यहाँ प्रकार 20% की वृद्धि हो जाती है, 120L/100 गुणे चौड़ाई में 10% कमी तो मतलब 90B/100 लेंथ ऑफ ब्रीथ होता है। तो 2 0 से 2 0 तो कट ही जा रहा है, तो 11 12 108 LB/100 क्लियर है। तो इसका मतलब ऊपर वाले से ये नीचे वाला कितना बड़ा है वो आपका क्या है 100 LB/100 कर सकते हैं, 100 से 100 कट ही जाएगा, और यहाँ 108 LB/100 है, इसका मतलब अंतर कितना आएगा दोनों का, वो प्लस में 8 LB/100 है। क्लियर है। तो इसका मतलब ये वृद्धि हो रहा है, तो प्रतिशत वृद्धि कितना हो गया दोस्तों बेसिक से 108 LB/100, इसका मतलब वृद्धि गुणे 100 प्रारंभिक क्षेत्रफल क्या था LB था, तो LB से LB कर गया 100 से 100 बराबर 8% की वृद्धि होगी। क्लियर है। बाकी सूत्र और क्या प्रयोग करेंगे, 100 प्लस माइनस A 100 प्लस माइनस B, जब आपका आयतन आ जाएगा तो 3 बार लिख देंगे बस, बाकी कठिन नहीं है। तो 10% 20% की वृद्धि हो रही थी 120 लिख देंगे, गुणे 10% की कमी हो रही है इसका मतलब 90 लिख देंगे, बटे में 100, अब प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना था 100, 100 से ज्यादा आएगा तो वृद्धि, कम आएगा तो कमी हो जाएगा। तो 12 108 में 100 घटाएंगे वैसे ही 8% हो रहा है, कितना आसान है, इसको फ्रैक्शन में नहीं चेंज करना है जब पूर्णांक देगा तो। अगर यही चीज परसेंटेज के फ्रैक्शन में दे दिया होता है, मान लेते कह दिए कि 9 से ही 1/11% या 11 से ही 1/9% की वृद्धि कर दी जाती है। और यहां पर मैंने लिख दिया दोस्तों क्या कि चौड़ाई में 16 से ही 2/3% की वृद्धि कर दी जाती है, दोनों जगह बढ़ा दिया गया तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या हो जाएगा। तो अगर सही बटे में दिया हुआ है दोस्तों तो सही बटे के लिए करना क्या है आपको परसेंटेज के फ्रैक्शन के नियम्स लगाना है, पूर्णांक में देगा तो पूर्णांक के नियम्स लगाना है। तो आप लोगों को x प्लस y के नियम्स भी लगा सकते हैं, जिसका मतलब 11 से 1/9, तो इसका मतलब 11 से 1/9 की परसेंट फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 ही होती है, और 16 से 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/6 होती है। तो दोनों जगह पर क्या हुआ है, बढ़ ही रहा है, प्लस प्लस ही हो रहा है, तो प्रारंभिक क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, जो हर की वैल्यू होती है वही प्रारंभिक 9 × 6, ये प्रारंभिक क्षेत्रफल है। तो नया क्षेत्रफल दोस्तों कितना हो जाएगा, इसका मतलब 9 × 10 = 6 = 7, इसका मतलब 10 × 70 हो जाएगा और 9 × 6 = 54 हो जाएगा। तो कितना बढ़ गया दोस्तों, 16 बढ़ गया, 16 की वृद्धि हो गई, इसका मतलब परसेंट वृद्धि आपको बताना है। तो किस तरीके से लगाएंगे आप, 16 बढ़ गया किसमें 54 में, तो यहाँ पर 54 गुणे में क्या लिख देंगे 100, तो 2 से ही कटेगा बस, 2 × 8 = 16 हो गया 27, तो 800 में 27 से भाग करेंगे सही बटा में या पॉइंट में करके आएगा। तो इस तरीके से आयत का क्वेश्चन पूर्णांक में देता है, फ्रैक्शन में देता है, तो आप लोग लगा लीजिएगा। इसी तरीके से आप आगे का क्वेश्चन देखिए, जैसा तो दोस्तों दिया हुआ है किसी वर्ग के भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाती है तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितने परसेंट का परिवर्तन हो जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा, तो इसका मतलब 2 10 एक ही बार दिया है लेकिन डबल बार लेंगे, क्यों, क्षेत्रफल में 2 dimensional होता है, दोनों भुजा समान होती है। तो इसका मतलब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या कि 110 × 110/100 - 100, क्या सूत्र लगा रहे हैं आप लोग को पता है, 11 g में 121 - 100 = 21%, क्लियर है, प्लस में आ रहा है वृद्धि हो रहा है,
तो इसका मतलब यहाँ पर अगर 10% कमी दिया होता, यही चीज 10% घटा दिया हो गया होता, तो 90 × 90 बटे में 100 - 100 कर लेते, तो 2 0 से 2 0 9 81 - 100 का मतलब -19% आ जाता, तो 19% की क्या दोस्तों आ जाती कमी, माइनस का मतलब कमी हो जाता है, यही आपका सही बटे में दिया होता। यही पर हम कह देते किसी वृत्त की त्रिज्या में हम लिख देते, किसी वृत्त की त्रिज्या ऐसा लिख दिया मैंने, त्रिज्या में मात्र हमने क्या लिख दिया दोस्तों यहां पर 1% की वृद्धि कर दी जाए, तो वृत्त के क्षेत्रफल में यहां लिख देते हैं, तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो जाएगा, तो 1% वृद्धि का मतलब क्या होता है दोस्तों, आप x प्लस वाई से लगा सकते हैं, 1 + 1 × 1/100, तो 1 × 1 = 2 हो जाएगा, 100 में से 1 में भाग करेंगे 0.01 आएगा, जोड़ने पर 2.01% की वृद्धि हो जाएगी। आप क्या करेंगे इस वाले नियम से लगाना चाहेंगे तो 101 × 101 / 100 - 100, तो 101 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, होता है आपका 102.01 - 100, यहां बटे में 100 है, जब 100 से भाग करेंगे तो 102.01 आएगा, 102.01 - 100, तो 2.01% आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, क्षेत्रफल में किसी त्रिभुज के आधार में कह दिया और लंब में कह दिया तब भी आपको ऐसे लगाना, हम कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं, आप लोग आसानी से क्वेश्चन को लगा लीजिएगा। तो अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं 2-3 क्वेश्चन आयतन से संबंधित। जैसे दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, कह रहा किसी घन के भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो घन के आयतन में कितने परसेंट का परिवर्तन हो जाएगा, कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। तो प्रारंभिक अगर आयतन की बात करेंगे बेसिक से, तो हम कहेंगे भुजा क्यूब होता है, क्लियर है। अगर नया आयतन देखते हैं तो नया आयतन का मतलब हो जाएगा नई भुजा, नया आयतन बराबर कहेंगे 110/100 का ए का होल क्यूब, क्योंकि 10% बढ़ गया, तो 100 में 10% बढ़ा तो नीचे 100 लगा है, a प्लस a का 10% निकालते हैं, तो 100a + 10 110a / 100 0 0 काट देंगे, जिसका मतलब 11a / 10 का होल क्यूब, जिसको हम ले सकते हैं 1331a³/1000, क्लियर है। तो इन दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो 1000 से ये कितना ज्यादा है, 331a³ ज्यादा है, तो 331a³ इतने की वृद्धि हो गया, अब बटे में कितना 1000, इसका मतलब इन दोनों का अगर हम अंतर निकालते हैं तो कितना आएगा 331a³/1000। प्रारंभिक आयतन भुजा क्यूब था, नई भुजा 110a³/100 हो गया, तो उसका होल क्यूब करेंगे तो 1331a³/1000 आएगा, तो इसका मतलब हम क्या कर दिए यहाँ पर 331a³/1000 बढ़ गया। तो परसेंट वृद्धि की अगर हम बात करते हैं तो परसेंट वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, वृद्धि अब गुणे 100 / प्रारंभिक आयतन अर्थात इनिशियल वॉल्यूम, तो प्रारंभिक आयतन की बात हो रही है, इसका मतलब वृद्धि कितना होगा 331a³/1000, अब गुणे में 100 / प्रारंभिक आयतन ए क्यूब है, ए क्यूब से ए क्यूब, 2 0 से 2 0, 10 से 331 भाग करेंगे 33.1% आ जाएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा है। लेकिन इसी चीज को आप डायरेक्ट उस फार्मूले से लगाएंगे जो मैंने आपको बताया है, तो कहेंगे 110 × 110 × 110, 100 ± a, 100 ± b, 100 ± c बटे में 100 × 100, 3 बार आया तो डबल 100, अब -100% प्रारंभिक आयतन था, तो 1 2 3 1 यहां काटेंगे तो इसका मतलब 1 2 3 0 कट गया, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा 1331/10, तो 1331 में जब 10 से भाग करेंगे तो 133.1 - 100 बराबर 33.1% हो जाएगा। तो इन सब चीजों को हम फ्रैक्शन से नहीं लगाएंगे जब पूर्णांक में देगा, तो जब परसेंटेज आपका फ्रैक्शन में देगा सही बटे में करके देगा तो हम फ्रैक्शन विधि से लगाएंगे, जब परसेंटेज पूर्णांक में देगा तो हम पूर्णांक के नियम से लगाएंगे, क्लियर है। यही चीज दे दिया होता आपका भी 10% की कमी कर दी जाए तो कितने परसेंट आयतन घट जाएगा, तो 10% कमी का मतलब 90 × 90 × 90, अब बटे में 100 × 100 आप लिखते, अब -100% प्रारंभिक आयतन मानते हैं, उसको हम घटा देंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, यहाँ पर 1 0 से 0 कट गया, 729/10 करेंगे 72.9, अब -100 कर देंगे तो इसका मतलब कितना आ जाएगा आपका 27.1% की कमी हो जाएगी, क्लियर है दोस्तों। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को लगाएंगे तो आसानी से लगा सकते हैं, इसमें आपका सही बटन बहुत रेयरली किसमें देता है, तो
इसी का हम देखते हैं आप थोड़ा सा अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, घनाभ करा किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 10%, 20%, 30% बढ़ा दिया जाए तो घनाभ के आयतन में कितने परसेंट का परिवर्तन हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। तो आप लोगों को पूर्णांक में दिया हुआ है, जिसका मतलब आयतन में प्रतिशत परिवर्तन आपको बताना है। तो आयतन में प्रतिशत परिवर्तन लिखेंगे बराबर कितना, 10% बढ़ा रहे हैं, 110, 20%, 120, 30%, 130, तीनों जगह परसेंटेज है। तो नीचे डबल 100 ले आकर दो टोरे परसेंट हटा देंगे, एक टोरे के परसेंट बचाना है -100। तो 1, 2, 3, 1, 2, 3 इतना काट दिए हैं, इसका मतलब 12 ग्राम में 132 हो जा रहा है, और गुणे में 13 और बटे में 10, और -100 आपका हो जाएगा। फिर 13 × 26 की 6 हो जाएगा, 33 × 39 = 41 हो जाएगा, फिर 13 × 1 = 13, 4 = 17 हो जाएगा, बटे में 10 है, 10 से जब भाग करेंगे 171.6 - 100, तो 71.6% की वृद्धि हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों? अगर यही चीज आपका फ्रैक्शन में दे दिया होता है, इसका मतलब जो आपका परसेंटेज पूर्णांक में दिया है यही चीज कह देता आपका 12.5% की वृद्धि, और 9 से 1/11% की हम ले सकते हैं, 11 से 1/9% की वृद्धि, और हम इसी में लिख देते हैं 1% 16 से 2/3%, इतना दे दिया 16 से 2/3% की वृद्धि कर दी जाए तो घनाभ के आयतन में। तो 12.5% 11 से 1/9% 16 से 2/3% वृद्धि कर दी जाए तो घनाभ के आयतन में कितने परसेंट का परिवर्तन हो जाएगा। तो परसेंटेज अगर फ्रैक्शन में दिया हुआ है, सब जगह वृद्धि है, तो प्लस करेंगे वृद्धि, कमी दिया रहे प्लस माइनस दोनों लेंगे, कमी ही दिया रहे समय माइनस ले लेंगे बस। तो 12.5% की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 1/8 होती है, बढ़ा रहे हैं। और 11 से 1/9% की दोस्तों वैल्यू कितनी होती है, 1/9 होती है, 100 से भाग कर दे सकते हैं। 16 से 2/3% की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 1/6 होती है। क्लियर है? तो इसका मतलब प्रारंभ में आयतन कितना था, 8, 9 और 6, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये हो गया आपका, गुणा भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद नया क्या हो जाएगा आपका, 8, 1, 9, फिर 9, 1, 10, 6, 1, 7। तो इसका मतलब ये 9 से 9 कट जा रहा है, और यहाँ पर भाग करेंगे 2 × 3 = 6 हो जाएगा, 2 × 5 = 10 हो जाएगा। तो 8 × 3 = 24 पहले था, अब 5 × 7 = 35, तो कितना बढ़ गया दोस्तों, +11। तो परसेंट वृद्धि आपको बताना है, तो इसका मतलब लिखेंगे हम कितना, 11 / 34 वृद्धि बटे प्रारंभिक आयतन गुणे 100। तो यहाँ पर 25 हो जाएगा, और यहाँ 4 × 6 = 24 हो जाएगा, 25 ग्राम में कितना हो जाएगा, 275 हो जाएगा। अब बटे में 6 है, तो कहें भाग करेंगे 6 × 6 = 24, 3 × 6 = 35 हो जाएगा, 5 × 6 = 48, या 45 से ही 5/6% की वृद्धि हो जाएगी। अगर यही कमी किया होता तो इसका मतलब यहाँ 8 में घटाते 7, 9 में 1 घटाते कितना हो जाता, 8, और 6 में 1 घटाते कितना हो जाता, 5। अगर हर जगहों पर आपका मान लेते हैं कह दिया होता है इसी क्वेश्चन में किसी घना आपकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः इतना परसेंट घटा दिया जाता है, यहाँ क्या कर दिया था दोस्तों, घटा दिया जाता है। तो घटाने की बात जब करेगा तो इसमें अगर क्या कर दिया जाए, उन सभी परसेंटेजों को घटा दिया जाए तो घनाभ के आयतन में कितने परसेंट परिवर्तन, घटाने की बात करेंगे तो हर जगह क्या हो जाएगा दोस्तों, सिर्फ माइनस की बात हो जाएगी। तो सारे यहाँ पर 12% वैल्यू 1/8 हो जाएगी, 11 से 1/9% की -1/9 कर देंगे, 16 से 2/3% की -1/6 कर देंगे। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रारंभिक जो आयतन आपका निकल के आएगा वो 8, 8, 9, 6 ये लिख दिया, और नया क्या हो जाएगा, तो प्रारंभिक आयतन आपका 8 × 9 × 6 हो गया, ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो गया, 8 में घटाएंगे कितना हो जाएगा, 7, 9 में 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा आपका, 8, और 6 में घटाएंगे 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 8 और 8 आपका कट जा रहा है, 9 × 6 = 54 हो रहा है, 7 × 5 = 35 हो रहा है, पहले कितना था 54, अब कितना हो जा रहा है आपका 35, तो कितना कम दोस्तों हो रहा है, -19। क्लियर है? तो इसका मतलब प्रतिशत कमी की अगर हम बात करते हैं तो 19 की कमी हो रही किसमें, 54 में 54 × 100, तो हम भाग कर देंगे, इसका मतलब यहाँ पर 50 हो गया, अब भाग करेंगे यहाँ 27, तो यहाँ पर 19 × 5 = 195, इसका मतलब 1950 बटे में कितना हो जाएगा दोस्तों, 19 × 5 = 95 होता है, 19 × 5 = 95 हो जाएगा, 950 के बटे में 27, तो 27 × 3 = 81 हो जाएगा। अब फिर उसके बाद 14 बच रहा है, 140 हो गया, 27 × 5 = 135, तो इसका मतलब 35 से ही 5/27% की कमी हो जाएगी, माइनस में आएगा।
तो इस तरीके से आपका देगा, ऐसे बेलन में आपका देता है, तो बेलन में आप जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर एच होता है। अगर उसमें कह दिया किसी बेलन की आधार की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दिया जाए और ऊंचाई को 20% कम कर दिया जाए, तो त्रिज्या डबल बार है, ऊंचाई एक बार है, तो इसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, कह रहा है कि त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाए और ऊंचाई को 20% घटा दिया जाए तो बेलन के आयतन में कितने परसेंट का परिवर्तन आ जाएगा। तो कहेंगे 110 × 110 × 80 लिखेंगे, क्योंकि पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो डबल बार त्रिज्या है और एक बार आपकी ऊंचाई है, नीचे 100 × 100 अब माइनस 100 कर देंगे। तो यहां पर आप क्या करेंगे दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 1 जीरो से 1 जीरो, 11 ग्राम में 121 और 121 में आप कितना 8 का गुणा कर देंगे, तो 121 × 8/10 − 100, तो 121 का 8 में गुणा करेंगे तो 8 × 8 = 16, 8 × 8 = 9, अब बटे में 10 − 100, तो 96.8 में −100 करेंगे तो −3.2% आ जाएगा। क्लियर है? तो 3.2% की कमी हो जाएगी। तो कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से बनाता है तो आप लोग प्रतिशत परिवर्तन के क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। तो जो भी क्वेश्चन आपके इस तरीके से दिए जाएंगे, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन, आयतन में प्रतिशत परिवर्तन या खर्च में प्रतिशत परिवर्तन, संख्या में, कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपका बनता है तो क्वेश्चन को आप आसानी से पूर्वक लगा सकते हैं। तो अगर आप लोगों को ये पूरा समझ में आ गया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में आपका और इम्पोर्टेंट क्लास चलेगी, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, परसेंटेज वैसे भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। तो अगर दोस्तों आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।